यारा आप लगाते रहिए। अब वह खुशी हो गई उनको, हाँ अब लग गया। 6 महीने के उपरांत वो काम कर गए। नहीं, प्रतिपल वह पुलिस काम करती थी, लेकिन 6 महीने पूर्ण निकलने के लिए लग गया। अब वह 1 महीने तक लगातार आता चला गया और लगातार ये बांधते चले गए। जब वहाँ आना बंद हो जाएगा तो फिर उसके लिए वही घी और हल्दी कड़का ये लगा देना, बस ये कर दिया। फिर इसके उपरांत वह दीवार की भांति एक माट कुछ भी उसकी निशानी तक नहीं रही। अभी तक उसका 4-5 साल हो गए, एक बार भी शिकायत नहीं आई। यह आयुर्वेद का चमत्कार, सभी डॉक्टरों के द्वारा नहीं हुआ। ऐसे कई हमारे सामने अनुभव हो जाते हैं, इसको मना हम नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, एक प्रकार से आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है, प्रतीक्षा आप करो। लेकिन क्या आता है वो मत दिलाओ, मत दिलाओ। क्या मत दिलाओ? विश्वास लौट आता है। मत दिलाओ, विश्वास लौट आता आचरण से अथवा व्यवहार से। आज का यह युग व्यवहार कुछ करना नहीं चाहता, आचरण के ओर उपेक्षा रखता है और फल की इच्छा तो रात दिन करता रहता है। हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, है नहीं। ऐसे चमत्कारों से भरपूर आयुर्वेद है। जीवन में कोई भी रोग आ जाए उसके ऊपर पूरा औषध है। उसको छोड़ करके आज हर एक व्यक्ति की दृष्टि विदेश की ओर चली जाती है। ये कर्म फूटा है, सौभाग्य नहीं है उसका, ऐसा हो रहा है। ऐसे ही हर बात में, हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे का है, लेकिन ये नहीं, ये विज्ञान हो गया। ये किताब अवश्य आपके महाविद्यालय में पढ़नी है। जितने भी इंजीनियर हैं इसको पढ़ते हैं। आप लोग कहते हैं कि विज्ञान विदेश में है। नहीं, विदेश में गया यहाँ से। इसमें लिखा हुआ, उन्होंने अलग रूप से 5-6 पंक्ति लिखी है। इसको पढ़ने से आपको गुस्सा आ सकता है, ये क्या कह रहे हैं। आप लोगों के सामने ये नहीं आया इसलिए आपको गुस्सा आ सकता है। कोई भी वस्तु नहीं है। भारत के बाहर यहाँ से बहुत कुछ जाता था, किंतु वहाँ से आयात करने के लिए कुछ भी दरवाज़ा नहीं था। फिर क्या आता था? सोना, चांदी, हीरा, ज्वार आता था। आप ज्वार खाने वाले हो, किंतु ध्यान रखो यह ज्वार थे। ऐसा बहुमूल्य वस्तु आती थी। भारत को आज हर बात पर पराजित होना पड़ रहा है। इसको भूल जाओ और इसी ये वैज्ञानिक किताब को अवश्य पढ़ेंगे। धर्मपाल नाम एक प्रकार से गांधी जी के शिष्य या समकक्ष होने वाले एक विद्यार्थी थे और गांधी जी के कुछ समस्याओं के हल करने से गांधी जी कहते हैं, आप क्या चाहते हो? मैं इसकी सेवा अवश्य करूंगा। 35 वर्ष तक विदेशी पुस्तकालयों में जा कर के उन्होंने जो संकलित किया और उसको 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं सत्य ज्ञान, यह विज्ञान यहीं से वहाँ चला गया था
उन लोगों ने ये लिखा है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। आज का इंजीनियर इससे अनभिज्ञ है, उनके इंजीनियरों को पढ़ाने वाले भी सभी अनभिज्ञ हैं। 3-4 विश्वविद्यालय से लोग आए थे, हम इसके आपके पास इसलिए आए हैं। सुना है आपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातें हम लोगों के सामने रखी, हाँ रखिए, इन्हीं को पढ़ कर के हमने किया। तो आज यह विश्वास करेंगे हमें विदेश नहीं जाना है, विदेश नहीं जाना है। विदेश यहाँ पर आते थे और सभी ने इसको पढ़ा है, लिखा है, समझा है, अनुसंधान किए हैं। ऐसा यह भारत है। यहाँ पर पहले कैसे कैसे विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र आदि आदि, बहुत सारे, तक्षशिला, बहुत सारे, हजारों नहीं लाखों गुरुकुलों का केंद्र भारत था। आज भारत हर बात में आपके माता पिता नहीं, हमारा लड़का विदेश गया हो, लौटेगा कब ये बताओ, लौटेगा क्या, नहीं लौटेगा। इसलिए हमने ये नारा दे दिया, आप लोगों को भी दे देता हूं, रुको रुको लौट चलो, रुको रुको लौट चलो, कहां, भारत। विदेशी लोग भारत आ रहे हैं और आप लोग विदेश में, महाराज कुछ चमत्कार तो है, हाँ विदेशी लोगों के लिए भारत में चमत्कार दिख रहा है और आप लोगों को वहां पर दिख रहा है। गलत कौन है, सही कौन है, ये आपको देखना है। इसलिए आज के वस्त्र जो आप पहनते हैं वो चर्म रोग को पैदा करने वाले हैं और अनेक प्रकार के तामसिकता के वहाँ आपको शिकार बनाते जा रहे हैं। और निश्चित बात है जिससे रोजगार के लिए एक प्रकार से ब्रेक लगा हुआ है। तो रोजगारों के यदि जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हथकरघा प्रयोग कर दीजिए और इसके माध्यम से कपड़ों का जो आप पढ़ रहे हो उन विद्यालयों में भी यह पाठ्यक्रम के रूप में रखा जा सकता है। और यह प्रतिभाशील के सारे सारे विद्यालय उसमें पाठ्यक्रम से चल रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा तक वे अपने आश्रित हो जाते हैं और सबके लिए उत्पादन दे रहे हैं। उसको जा करके आप देखेंगे तो लगेगा कि हमारे भी विद्यालय में ये होना ही चाहिए। आप जब स्वयं तैयार कर सकते हो तो पराश्रित क्यों हो रहे हो। हाँ इसलिए ये पसीना सूखने की क्षमता इन वस्त्रों में रहती, किंतु आप लोगों के वस्त्रों में ये गुण है ही नहीं। इसी प्रकार वासना इंद्रियों के वशीभूत करने की क्षमता इन इन वस्त्रों में है, उन वस्त्रों में यह संयम धारण रख नहीं सकता। इसलिए ये भी ये आवश्यक है, जीवों का रक्षण इसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि पानी छान करके पीना विदेशी इन वस्त्रों से छन नहीं सकता, पक्का है यह। और उसमें से यदि छनेगा तो निश्चित रूप से वहाँ से कोई जीवों का निष्कासन नहीं होगा। इसलिए छानने की अपेक्षा से, वस्त्र में निरोगता प्रदान करने की अपेक्षा से ये वस्त्र बहुमूल्य है। इसलिए गांधी जी ने ये कहा था, कल ही तो मनाया आपने गांधी जी को, हैं, कल ही तो हुआ था, आज आप आ गए, अच्छे समय पर आए हो। हाँ, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व
शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण केवल 100-150 पृष्ठ की ये किताब है, किंतु ये पठनी है और विद्यालय में एक तो नहीं ले जा सकते और आप बहुत कुछ इसके प्रति मिल सकती है, मिल जाए भारतीय शिक्षा के मूल तत्व के रूप में। ये बच्चे सारे सारे इसके अनुसार शिक्षा पा ले तो बहुत बहुत विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह भी एक आग्रह है कि अनुसंधान के लिए यदि चीज है, कोई भाषा है, तो वह इंग्लिश है। ऐसे सब लोग रट रखे हैं। एक वह व्यक्ति कहा कि हाँ, मुझे जो आपने विषय संकेत दिए हैं विदेशी नीति के ऊपर, जो विषय मुझे दिया गया है, मैं उसका पूर्ण निर्वाह करूँगा, लेकिन ये ध्यान रखिए मैं उस ग्रंथ का संपादन यानी उस प्रबंधन को इस शर्त से स्वीकार करूँगा, मैं इंग्लिश में इसको नहीं लिखूँगा। तो सब लोगों ने कहा इसके बिना ये लिखा ही नहीं जा सकता, विदेश के लिए आपको दिया गया है, उस शक्ति को बता दो। नहीं, मैं अपनी भाषा में ही लिखूंगा और मैं नोट्स जिसमें लिखूंगा उसका स्पष्टीकरण इंग्लिश भाषा में नहीं हो सकती, मेरी अपनी भाषा है उसी मैं लिखूंगा। सब लोगों ने कहा ये नहीं लिखा जाएगा। कुछ लोग तो तालियां बजने लगी क्योंकि उनको वो बहुत बहुत पसंद आ गया। क्यों ऐसे बोल रहे हो? हम कह रहे हैं उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का। उन्होंने कहा नहीं, मैं लिखूंगा, लेकिन इसी मैं अपनी भाषा में हिंदी भाषा में लिखूंगा। अंत में हाँ कहा गया है। फिर उन्होंने ऐसा बढ़िया लिखा है, आज भी वह एक उदाहरण बना हुआ है। इसलिए कोई किसी विषय में शोध करना चाहते हो, प्रबंध लिखना चाहते हो, विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किताब पढ़ने से आपको ज्ञात होगा। यह कम से कम भी 7-8 भागों में विभाजित है, 10 भागों में विभाजित है, और आज भी यह मराठी भाषा में भी है, हिंदी भाषा में भी है, मूल में इंग्लिश भाषा में, क्योंकि वहीं पर जाकर के वो लेखक लिखते थे, फिर बाद में अनुवादित हो गए। इसको हमने देखा तब लगा कि नहीं, विज्ञान के बारे में आपकी धारणा गलत है, इसलिए आप वैज्ञानिक नहीं बन सकते। इसको पढ़ने से अवश्य बन सकते। और वैज्ञानिक का अर्थ जो है केवल पुद्गल की खोज नहीं है, भीतरी आत्म तत्व की खोज के लिए। और ये सारे सारे महाराज उस आत्म तत्व के कर्तृत्व के लिए शोध प्रबंध लिखने में लगे हुए हैं, और उसके लिए न स्याही की आवश्यकता है, न पेपर की आवश्यकता है, न कोई किसी के निर्देशक की आवश्यकता है, केवल आत्म मनन करने से ही वह लिखा जाएगा और उसका फल मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाइए। अहिंसा परमो धर्म। पहले डाकिया जो होते थे, डाकिया समझते हो, पोस्टमैन जो होते, वो पैदल से ही अपने कंधों पर पत्र आदि जो कुछ भी है ले जाते थे, और एक निश्चित स्थान उनकी सीमा होती थी, वहाँ पर उससे पहले ही प्रतीक्षा में एक डाकिया रहता था, उसको सौंप करके उसके पास से जो कुछ भी डाक है वो इसमें अपने पास लेकर के पुनः लौट जाता था। इस प्रकार उस समय आप लोगों के समाचार को डाकिया लोग दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि
कार्य करने की शैली समय समय पर क्या है तुम लोग, तो वह उससे काम चलता था। एक दूसरे के पूरक होने से इस छोर से उस छोर तक 24 घंटे के भीतर अपना कार्य होता था, और आज पांच ही ले रख। ज्यादा बोलना हो रहा, डाकिया का काम तो कम, इसमें बहुत सारे अनर्थ होते जा रहे हैं, आप लोग इससे अवगत हैं। अब देखो, एक डाकिया वहां से जा रहा था, जोर जोर से चील ने चीर दिया सब मौन को ही, देखते हैं कहाँ से आ रहे कहाँ से आ रहे। तो वहीं पर पास एक बामी थी, उस बामी के ऊपर एक चील था, और उस चील को भीतर से एक सर्प ने पकड़ रखा, और वह किसी भी प्रकार से हाथ पैर लगा करके निकालना जो नहीं छोड़ रहा था। डाकिये ने सोचा इसके जीवन को बचाने के लिए और कोई स्थान नहीं, उसने अपने पास एक लठिया रख रखी थी, उससे उसको लगते ही सर्प ने कहा कि हमारे ऊपर प्रहार हो जाएगा, उसने छोड़ दिया, छोड़ते चीर ऊपर चला गया। अब वह डाकिया गया और पुनः लौट रहा है। अब देखो, सर्प इसी प्रतीक्षा में बैठा था, हमारे कार्य में निगल ढालने वाला इस वैसे के उसके पटा अपने पास ले लिया उसने। किसने? सर्प ने। पटा कैसे ले लिया? उसकी आंखों में इतनी कैमरा की जो है व्यवस्था रहती है, उसके द्वारा कहीं भी आप छुप जाओ, छोड़ते नहीं वो, इसलिए दूसरे से वेल न बांधो। अब वो आ गया, उसको देख करके उसर बाहर आ गया और उसको पकड़ने के लिए, तो बुढ़िया डाकिया खूब जोर से भाग लगाया। उस जोर से भाग लगाया, उसी बीच में से ऊपर जो चील था उसने आकर के उस सर्प को पकड़ लिया। डाकिये ने देखा, परस्पर उपग्रह, अच्छे ढंग से बोलो, हाँ, एक दूसरे से यदि सहयोग देते हैं संकट में और शुभ कार्यों में, सब में सहानुभूति रखते हैं, ये कार्य हो जाता है, इसको सहानुभूति, दुख में दुखी हो जाना, इससे भी बहुत बल मिलता है। कहीं गमी होती है तो आप लोग जाकर देख लो, आपको देख करके वह विशेष रूप से रोने लगता है, उसको रोने को बंद करा करके आप उसको सहानुभूति देते हैं। सहानुभूति का अर्थ यह है, उसके अनुभव को हम भी अनुभव में लाएं, इसको बोलते हैं सहानुभूति। उस अनुभूति के साथ हम भी हिस्सा उसमें ले ले, इससे दूसरे के दुख का बोझ कम हो जाता है। और यदि मान लो खुशी की बात है, तो फिर खुशी का तो कोई पार होता ही नहीं है। तो वह कुछ देर समय के बाद वहीं पर खड़ा होकर के देखता रहा, वाह, सर्प ने तो मेरे साथ वैर पकड़ लिया, लेकिन इसके साथ भी तो वैर हो गया था, उसके आप भूल कैसे सकते हो, तो इतना ऊपर जाता उसको लेकर के आसमान में चला गया हो, और वहां से छोड़ देगा तो क्या होगा इसका। हाँ, उसको दिखाया कि ये है
हर एक व्यक्ति एहसान मानता है, उसके पास इस प्रकार के मानने की क्षमता विद्यमान रहती है। आप लोग अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार एहसान के लिए, सहानुभूति के लिए पैदा करेंगे। अपने आप ही दो आंसू आँख में आ गए, बस इतना पर्याप्त होता है वह उन आंसुओं को पहुंच लेता है। बस इसमें हमेशा हमेशा के लिए मित्रता आती है। आप लोग वैर बांधने में लगे हुए हो, दूसरे से जो कुछ भी है उसको झपट करके छीना छपटी में लगे हुए हो, और क्या है मुझे बताओ। ये सब लोग सुनाते महाराज, किसान इतना श्रम कर जाता है, नहीं समझे, श्रम करके जब फसल ज़्यादा अच्छे ढंग से आ जाती है, और इधर इधर क्या दुकानदार या व्यापारी लोग दवा देते हैं, भाव गिरा देते हैं, तो फिर कभी भी भाव अच्छे होंगे नहीं उनके। गिराने के भाव ठीक नहीं है, उठाने के भाव आपको समझ में आ रहा है। गिराने के भाव कुछ पाई के लिए कर देते हैं। कितना किसान को उस समय दुख होता है, वेदना होती होगी, मैंने कष्ट किया, श्रम किया, और इस साल तो यदि सरकार हमारे साथ देगी तो निश्चित रूप से दुगुना हो जाएगा, किंतु उसको आधा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अखबार में जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है, शासन भी है, सभी है, न्यायालय भी है, सब कुछ है, सुनवाई नहीं होती। उनके कहने से तो भाव बढ़ा देते हो, और इतना भाव बढ़ा दिया क्या, किंतु जब तक वह किसान के हाथ में रहेगा तो बढ़ नहीं सकता। कई लोगों का खून का संचार कुछ ऐसे कार्य करते ही बढ़ जाता है, और अति बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई हाई नहीं समझे, नारा लगाते ना, हाँ हाय हाय, ये बढ़ जाता है, और घटा देते हैं तो रोने लग जाता है। ये रोध रोलन उसका दोनों तरफ होता है, बढ़ जाती है फसल बहुत अच्छी आती है, लेकिन दाम गिर जाता है तो किस काम का। कई बार सुनते हैं टमाटर सड़ रहा है, कोई लेने वाला नहीं, और जब जब महंगे हो जाए, महंगे अपने हाथ में है, तब महंगे हो जाते हैं, तब दुकान के अपने किसान के हाथ में कुछ नहीं रहता। हाँ, एक बार सुनते हैं कि प्याज और टमाटर के नीचे गिरने से सरकार गिर गई। मतलब आप भी जानने लगे सरकार को कैसे गिराया जाता है। अरे ये इस प्रकार है, सरकार जानते हुए भी गिरावट करती है, किसान हमेशा हमेशा कहीं ये नारा लगाते हैं, क्या किसान जय किसान। हाँ, इससे नारे से कुछ नहीं होता, नारा कि नारा नहीं मिलता, कोई नारा लगा ले, पार होने की बात करो, संकट मुक्त सभी हो सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए हमेशा हमेशा जो श्रम करता है
तो श्रम का शोषण ना हो, पोषण हो, इतना ही पर्याप्त है। डाकिया को याद रखना, उस चील को भी याद रखना, उस सर्प को भी याद रखना, और परस्पर उपग्रह हो जीवाना, इस सूत्र को याद रखो। इसके द्वारा सरकार भी निश्चित रूप से अच्छाई की ओर मुड़े, नीति न्याय निष्ठ हो करके राजा प्रजा का संरक्षण करें। इसके अलावा और कुछ नहीं। गृहस्थ अवस्था में ये भी हो जाता है तो निश्चित रूप से वह काम का आ जाता है। अहिंसा परमो धर्म की। खदान कई प्रकार की होती है। जहाँ पर खोदते हैं उसका नाम खदान, किंतु विशेष तो तज्ञ होते हैं, वे खोदते तो हैं लेकिन खोज करके फिर बाद में खोदते हैं। खोज के माध्यम से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर रत्न मिलेंगे, लेकिन वो रत्न मिलेंगे तो फिर खोदने की क्या आवश्यकता, यूं ही करके कर ले? नहीं, अनुपात यह है, एक एक ट्रक, दो दो ट्रक, चार चार ट्रक, पचासों ट्रक जब उसमें से मिट्टी निकलती है, कंकर पत्थर भी निकलते हैं, कुछ चमकीले भी हो सकते हैं, कुछ कांच इत्यादि के अनुसार भी हो सकते हैं, इन सबको वह निकाल निकाल करके दूर करते चले जाते हैं। अब एक कार्य ऐसा मिल जाता है जिसकी पहचान उनको है, तो पहचान है तो फिर क्या कहना। बाकी सारी की सारी जो मिट्टी थी, कई लोग उसका भी संशोधन करते हैं, उसको भी चालनी में डाल करके देखते रहते हैं, कई बार उसको धो लेते हैं, उसमें से भी कई लोग निकाल लेते हैं, ये उनकी कुशलता है। अब देखो, जब वह अनगढ़ बोलते हैं इसको, अभी उस रत्न को हम विशेष दर्जा नहीं दे सकते। अब दर्जा की बात है, कौन कोई भी दे दे दर्जा, नहीं। दर्जे जिस प्रकार अपने कपड़े को रूप देता है और आप लोगों के पहनाव के लिए योग्य बना देता है, उसी प्रकार उन रत्नों का भी काम है, उसको इस ढंग से, जिसको तराशना बोलते हैं, त्रास देने से तराशना होता है। त्रास ये आप लोगों को ज्ञात है, दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, सहन नहीं होता है, फिर भी इन सब को जो तराशते वक्त सहन करना होता है, फिर एक 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 बार वह शान पर निगाहते हैं तो उसमें से एक 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 पहलू निकलते हैं, एक एक पहलू, यह बढ़ाते 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 उसको कहाँ तक ले जाते हैं, वो ले जाते हैं सहस्र पहलूदार नग है, हजार हजार उसमें से पहलू हैं, और है वह चने के बराबर अथवा मूंगफली के बराबर है, लेकिन हजारों उसमें किस ढंग से उसमें तराशते हैं, फिर बाद में एक दूसरे पहलू एक दूसरे से टकराता नहीं, टकराता नहीं, एक पहलू के माध्यम से दूसरे जो पहलू है वह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, लेकिन नहीं होते हुए भी वह बहुत गहराई तक उसको ले जाता है। आप समझ रहे हो, भले ही मत फेनो सोने की नग, किंतु इसको अध्ययन का एक विषय तो बना सकते हो।
हमारे आचार्यों ने इन पहलुओं के लिए क्या नाम दिया है, या आप लोगों को चमत्कार में डाल देगा। ये एक सम्यक दर्शन है, उसके लिए भी अनगढ़ होता है, प्राप्त हो गया और भिन्न भिन्न तरासने वाले, शान पर लगाने वाले जो होशियार होते हैं उनके हाथ में ये पहुँच पहुँच करके ऐसा पहुँचा दिया जाता है, उसको अब नीचे नहीं रखा जाता और वह विशेष और सोना चांदी और भी जो मौलिक जो धातु है उनके बीचों बीच में उसको रख दिया जाता है। रख करके यहाँ नीचे नहीं रखता, फिर उसको उंगलियों में पहनाया जाता है, फिर यहाँ और अन्यत्र स्थानों में पहनाया जाता है, फिर गले में भी पहना। हम पूछना चाहते हैं गले में पहनने से तो स्वयं को तो दिखेगा नहीं, नहीं समझे, स्वयं को नहीं दिखेगा, लेकिन क्या दिख रहा है, पूरी जनता देख रही है। और वो पूरी जनता जब देख के मस्त है, बढ़िया है, ये है अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, धीरे जाकर पूछते आपने ये कहाँ से ला, क्यों आपको पसंद आ गया, क्या बताते हो, पसंद आए तो इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। इसको किसने बनाया, तब लगता है कि बहुत सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में बिना चारित्र के भी मौलिकता प्राप्त करता है, लेकिन जब तक संयम नहीं रखेंगे उसके पहलू सामने नहीं आ पाएंगे। और उसका मूल्य उसी के माध्यम से है, संयम के साथ वह रहे, वह अकेला रहता है तो उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसमें पहलू भी नहीं आ सकते, वह अनगढ़ है। अनगढ़ का अर्थ क्या होता, अनगढ़ का अर्थ होता है ये बनाते हैं ना रोड वगैरह, उसमें अनगढ़ पत्थरों को ही रखा जाता है, वो अनगढ़ पत्थर भीतर चला जाता है, उसके ऊपर धीरे धीरे कंक्रीट वगैरह करके फिर डाम्बर का रोलिंग हो जाता है, तो फिर उस समय गाड़ियां खूब स्पीड के साथ चलती है और भीतर कहता मैं अनगढ़ हूँ इसलिए तो चल रहे हो, हाँ बुल्डर बुल्डर, हाँ तो ये है, ऐसा है। तो सम्यक दर्शन कहने से बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन तो सम्यक चारित्र के साथ उसका ऊपर की कक्षा में जाने तक भी वह चारित्र के माध्यम से विकास को प्राप्त हो रहा है। केवल अकेले सम्यक दर्शन से गुणस्थानों का ऊपरी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना नहीं होता, किंतु उसके साथ संयम की मार्गणाओं को अपनाने से वह क्या क्या चमत्कार करता है, अब नरक नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि भोग भूमि इत्यादि की ओर भी नहीं जाएगा, पहले यदि बंद किया हो तो जा सकता। सम्यक दर्शन के साथ भोग भूमियों के अपर्याप्त दशा में भी सम्यक दर्शन को नहीं बताया, इसलिए इसके अपनी एक सीमा है इसका उपयोग करने का। इसलिए आचार्यों ने उस सम्यक दर्शन के 8 अंग स्थापित किए हैं। आपके पास कितने अंग है, 8 साष्टांग नमस्कार हो प्रभु के सामने, 8 अंगों को दंडवत जिसको बोलते हैं कर लेता है, क्योंकि जब तक प्रभु के लिए
कि उनके चरणों में आपके अष्टांग सहित नमस्कार नहीं होगा, आपकी यात्रा कभी दल आगे नहीं हो पाएगी। और उसमें यदि आपके पास पहलू नहीं रहेगी तो भी ध्यान रखना, अनगढ़ हो, उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं, बढ़ता तब जब उसमें शान पर चढ़ाया जाता है। शान पर चढ़ाना ऐसा नहीं है, कलाकार होते हैं, उसको जानने वाले होते हैं, तब इसमें आ सकते हैं। आए या नेम नहीं, उसी की कीमत, उसी का मूल बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। आठ अंग कौन से? शरीर में जैसे आठ अंग हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक माथा है, पीठ है, आदि आदि, एक गिन लेते हैं, इनमें से एक 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 कम कर दो, आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। एक एक अंग के साथ आपके शरीर में सांगो पांग है तो सारी सारी बातें चल सकती। अकेले यह गर्दन भर रहे हैं जिसको उत्तमांग बोलते हैं, ले उत्तम अंग तब कहलाता है जब शेष अंग भी उसके साथ जुड़े जीवित रहते हैं। यदि वो नहीं रहेंगे तो इसको उत्तमांग भी नहीं कहेंगे, कुछ समय के बाद वह भी गिर जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इन आठ अंग सहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, वह सम्यक दर्शन तो है किंतु उसके लिए कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाइए। अहिंसा परमो धर्म। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है।